है इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। आदरणीय सुशील गुप्ता जी, संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी, हमारी पार्टी के राघव चड्ढा जी, जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, आज कल महंगाई को लेकर और गुजरात में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को लेकर ये सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है। हमारे आदरणीय सांसदों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जो प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि कभी भी आटा पे, दही पे, दूध पे और छाछ पे जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, आज वही सरकार जीएसटी लगाकर आम जनमानस की कमर को तोड़ने का काम कर रही है। महंगाई आसमान को पहले ही छू चुकी है, लोगों को अपनी रसोई चलाना मुश्किल है, व्यापारी को पहले ही 2 साल के अंदर जिस तरीके से व्यापारी पहले परेशान रहा कोरोना के टाइम पे, उसकी जैसे प्रतिष्ठान बंद रहे उसके बावजूद व्यापारी तो व्यापारी, आज आम आदमी को भी मूलभूत सुविधाएं, अपनी घर की रसोई चलाना, महंगाई में अपने घर को चलाना दुर्भर हो गया है। हम आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर आदरणीय सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, पूरे भारत में हम इस जो जीएसटी इस खाने छाछ पे, दही पे, दूध पे और आटा पे लगाइए, इसका भरपूर विरोध करते हैं। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ये निवेदन भी करते हैं कि सरकार कुछ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किस तरीके से आम आदमी के जीना दुर्बल आप करना चाह रहे हो, किस तरीके से आम आदमी अपने बच्चों को पालेगा। संतोष जी नमस्कार। जिस तरीके से फरीदाबाद में गतिविधि चल रही है, अपराध आए दिन होते जा रहे हैं, घटना होते जा रहे हैं, हमें पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो इसको आपको फरीदाबाद में तो क्या कहेंगे इस विषय? देखो, भाजपा सरकार मीडिया पर हर जगह बात करती है कि हम इसको स्मार्ट सिटी बना, जिसकी आवाज़ हम लोग हमेशा उठाते रहे। अभी आपने देखा हमारी पार्टी का एक एक क्रांतिकारी साथियों ने नगर निगम का घेराव भी किया और आज हर वार्ड में हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जो फरीदाबाद की जो भाजपा सरकार है या हरियाणा की जो सरकार है, इन्होंने फरीदाबाद को क्राइम सिटी बना दिया है। सड़कें टूटी फूटी हैं, अच्छा स्वच्छ जल किसी को मिल नहीं रहा है, सीवर व्यवस्था जाम है और कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई यहाँ पर हत्या ना हो और कोई ना कोई आदमी आत्महत्या ना करे। जीएसटी की मार ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया, आर्थिक कमर ऐसी तोड़ दी है कि हर परिवार दुखी है। और आप कॉलोनियों के अंदर आए दिन सुनने को मिलेगा, कभी आपने देखोगे कि किसी पुलिस लाइन के पास पेड़ से कोई आदमी लटक के मर गया, कहीं कोई बुजुर्ग है, व्यापारी है बेचारा, उसने आत्महत्या कर ली, या तो बेचारा आर्थिक तंगी से आके आत्महत्या कर ले रहा है और नहीं तो कोई ना कोई गुंडा बदमाश जाकर किसी न किसी क्षेत्र में सीधा गोली मार रहा है। तो यहाँ तक तो विधायकों तक मंथली मांगने के लिए ये लोग दिन पर दिन ब्लैकमेल कर रहे हैं, फैक्ट्री मालिकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उस ब्लैकमेल में इनके सांसद विधायक भी शामिल हैं। इतनी बड़ी गुंडागर्दी भाजपा सरकार ने अपनाई। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरीके से फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि कभी जीवन में कभी स्मार्ट सिटी आने वाले समय में बन सकता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नाम बड़े अच्छे अच्छे लेकर आती है, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दिया। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, फरीदाबाद जैसी डर्टी सिटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ सांस लेना दुर्भर है, यदि हम अपनी गाड़ी लेकर चलते हो हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते, यदि साइकिल पे व्यक्ति चलता तो अपनी फैक्ट्री अपने व्यवसाय पे नहीं जा सकता, वो स्कूटी वाला गाड़ी पानी में डाल देता है उसकी स्कूटी नहीं निकलती। ऐसी स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी ने फरीदाबाद के नाम पर पूरे लोगों को दी है। उसके साथ साथ आज तक किसी भी पार्टी ने, कितनी भी पार्टियों ने इस देश के अंदर राज किया हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का राज रहा हो चाहे अन्य पार्टियों का राज रहा हो, कभी भी खाने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगी। नरेंद्र मोदी जी की टीम और नरेंद्र मोदी जी आधा कमीज उतारकर गलियों में बड़े तकड़े तकड़े प्रदर्शन करते थे, भाई आज पेट्रोल महंगा हो चुका है, डीजल महंगा हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन व्यक्तियों की कमर तोड़ी है, जो व्यक्ति बेचारे आज छोटे परिवारों के लोग हैं, जो दूध में चाय पीकर
चाय बनाकर चाय पीना चाहते हो, चाय का कप नहीं पी सकता। जो चाहे भी मैं अपनी आटा से रोटी बना लूं, आज रोटी के भी लाले पल चुके हैं, क्योंकि आटा के ऊपर भी जीएसटी, पनीर पे भी जीएसटी, दही पर भी जीएसटी, दूध पर भी जीएसटी। ये सरकार ने जो लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है, आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आप राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर जनता को बेवकूफ ना बनाएं, जनता को महंगाई से छुटकारा दिलाने का काम करें, जनता को रोजगार दिलाने का काम करें, जनता को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें, और जनता को आप चाहे तो बहुत बढ़िया हेल्थ सर्विस दिलाने का काम करें। जैसे हमारे केजरीवाल जी की एक सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दो स्टेटों में है, चाहे पंजाब स्टेट है चाहे दिल्ली स्टेट है। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति से आप पूछ लिए, वो कहेंगे केजरीवाल जी की जो सरकार है, हमें बिजली से राहत है। 10 मिनट पहले मैं बिल देख रहा था, यहाँ एक गरीब आदमी का बिल 13,000 रुपए है, कैसे भर देगा वो बिल अपना। ये हालात है इन सरकारों की। और 10 दिन पहले हमने एक एक्शन के ऊपर खिलाफ एक्शन लिया था, उस एक्शन की ट्रांसफर हुई ना हुई, उन्होंने बदतमीजी से हमारे जो माँ बहनों के साथ भी बदतमीजी से बाहर निकाल दिया गया था। हमने पुलिस को बुलाया और उसको उसी टाइम उससे माफी मंगवाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से जनता को, अगर हरियाणा के अंदर, देश के और प्रदेश के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बनती है, हम लोगों को सारी वो सुविधाएं देंगे जो दिल्ली के लोगों को और पंजाब के लोगों को मिली है। केजरीवाल जी की नीति है, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, सबको रोजगार मिले, महंगाई ना हो, और जो हमारी माताएं बहने हैं उनको गवर्नेंस मिले, उनको सुरक्षा मिले। ये हमारी नीति है, पार्टी की नीति है। उस नीति पर हम जाकर आने वाले नगर निगम के इलेक्शन में, जो नगर निगम का इलेक्शन है, इसके अंदर आज जो भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसके लिए हमने हजारों प्रोटेस्ट भी किए हैं। हर तीसरा दिन प्रोटेस्ट होता है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है, यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार उनके ऊपर यदि प्रशासन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करता है, उनको क्लीन चिट दे देते हैं। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। वो कहते हैं तो बड़ा साफ आदमी है, मुझे ऐसा लगता है इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का मेयर, आम आदमी पार्टी के पार्षद बढ़ेंगे तो हम इसको गहराई से जांच करेंगे, दोषियों को सजा दिलवाने का काम करेंगे। दिल्ली का नीतियों के बारे में बात करेंगे हरेंद्र भाटी जी से। दिल्ली का जो नीति है, जो सुविधाएं हैं, जनता को किस प्रकार से मिलता है और क्या क्या सुविधा है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, दिल्ली की जो नीतियाँ हैं, जो दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, वो हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं और मोस्टली सभी लोगों को पता है क्या क्या, चाहे वो बिजली के उसमें हो तो 300 यूनिट बिजली फ्री है, पानी के उसमें हो तो 20,000 लीटर पानी फ्री है, और तमाम 110 ऑनलाइन सुविधाएं जिनके लिए जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो उनके पास घर बैठे उन्हें वो सुविधाएँ मिल रही हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूँगा, जो आज हमारी अहम बैठक हुई है, जो मुद्दा है वो GST का है, जो खाने के ऊपर या दूध के ऊपर ये जो GST लगाई है, मेरा सोचना ये है कि एक आम आदमी को, एक जो व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेके बड़ा होता है, जवान होता है, जन्म से लेकर जवान तक उसे 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें हम एक एक चीज़ की बात करें, मकान इन्होंने ऑलरेडी अभी महंगा कर दिया, चाहे वो सरिया में देखो GST बढ़ा दी, जिस टाइम ये आज से पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम सरिये का क्या रेट था, या 3-4 साल पहले जब ये थे उस टाइम रेट क्या था, आज लगभग डबल का रेट पहुंच चुका है 4 से 5 साल में सरिये का। उसी तरीके का सीमेंट का कट्टा 200-250 रुपये का आता था, 220 रुपये का, जो कि आज 410 390 450 तक भी पहुंच चुका है। उसी तरीके से डस्ट का रेट जो 600-650 रुपये का था टन का, जो आज 1200-1250-1300 तक पहुंच चुका है। तो अगर मकान की बात करें तो मकान एक आम आदमी से, गरीब आदमी से दूर पहुंच चुका है। जो किराएदार थे उन्हें किराएदार ही बना के छोड़ दिया है, उनका जो मकान बनाने का सपना था वो अधूरा छोड़ दिया है इस सरकार ने।
जो इन्होंने वायदा किया था गरीबों को मकान देंगे और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को झुग्गी वालों को मकान देंगे जो गरीब है उनके लिए आशियाना बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम कपड़े में। कपड़े का जो हाल हुआ है आपने ये देखा होगा कि एक्सपोर्ट यूनिट पिछले 5 साल के अंदर कंटिन्यू बंद होती जा रही है। क्यों बंद होती जा रही है? क्योंकि जो पॉलिसी बनाई है सरकार की, जो पॉलिसी बनी है वो सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इन्होंने बढ़ा दी, एक्सपोर्ट जो हम करते थे अब उसे बचेगा नहीं तो वो क्यों व्यापार करेगा, क्यों वहाँ से ऑर्डर लेगा। तो इस तरीके की हमारे कपड़े की जो शर्ट मान के चलो 200-300 रुपए की आती थी या 500 की आती थी वो लगभग डबल से भी ऊपर पहुँच चुकी है। अब इनकी इन्होंने सिर्फ एक ड्यूटी छोड़ी हुई थी खाने की कि आदमी को जीने भी नहीं देंगे, उसी प्रकार से इन्होंने आटे पे लगा दी। क्योंकि आदमी मेरे पास एक शर्ट है मान के चलो या दो शर्ट है, मैं दो शर्ट में महीना गुजार सकता हूँ, मेरे अगर बजट नहीं है मैं 200 शर्ट नहीं ले सकता, पर रोटी उतनी ज़रूरी है जैसे सुबह उठ के पानी पीना। उस रोटी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसी प्रकार से दूध को नहीं छोड़ा। दूध आज इन्होंने एकदम अचानक से 10 से 12 से 13 रुपए का फर्क आ गया 1 लीटर पे अगर GST बढ़ती है। तो आम आदमी के अप्रोच से ये जो रोटी कपड़ा और मकान ये छीन के शो करना क्या चाहते हैं कि जो देश की 140 करोड़ जनता है उस जनता को कम करने का इन्होंने टारगेट ले रखा है, या उस जनता के साथ ही एक मजाक की स्थिति बना रखी है कि तुम रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ते रहो और हम हर बार इलेक्शनों को EVM के थ्रू जीत जाएंगे। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ जनता इतनी भोली वाली नहीं है, जनता भोली वाली है एक लिमिट तक, जब उसके मुंह से आप निवाला छीन लोगे, तन से कपड़ा छीन लोगे और छत से मकान छीन लोगे तो वो जनता आंदोलन करेगी और रोड पे आएगी। जनता ने राजा को रंक बना दिया और बड़े बड़े रंक से राजा बना दिए, तो ये जनता हमारी भगवान रूपी है और ये जनता इस बार नगर निगम चुनाव के अंदर अपने वोट रूपी बहुमत से इस सरकार को बदलने का काम करे। अगर फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो क्या क्या नीतियां हैं? हमारे पास जनता को जो राहत देने की सबसे अच्छी नीति है उसकी एजुकेशन, जहां पर एक आदमी का सैलरी का 70% पैसा खर्च होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम उनको वो एजुकेशन जो स्कूलों में बड़े बड़े स्कूलों में वो फीस दे रहे हैं हम उनको बिल्कुल फ्री कराएंगे। 300 यूनिट एक छोटे परिवार के यूनिट बिजली का 300 यूनिट से ज़्यादा नहीं आता वो हम उनको फ्री कराएंगे। यानी एक आदमी की अगर 30,000 सैलरी है तो हम उसको 15,000 से 20,000 रुपये उसकी सैलरी में इंक्रीज करके देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी है। और जिस तरीके से मैं तो ये कहूँगा सरकार से जो रोटी और दूध पे इन्होंने जो इन डेली रोज़मर्रा की चीज़ों पे इन्होंने जो टैक्स लगाया है इस टैक्स को दारू पे लगाएं, और जैसे कोई आइटम है जो जिन लोगों में पैसा होता हो उस आइटम को खा सकते हैं, जैसे होटल में जा रहे हैं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पर उस टैक्स को बढ़ाया जाए, और जैसे लग्जरी कार लेते हैं उनमें ये टैक्स को बढ़ाया जाए अगर सरकार के पास फंड की प्रॉब्लम है। ये गरीब जनता से ये उससे निवाला छीन के क्या शो करना चाहते हैं? धन्यवाद। भाई देंगे रक्षा का वचन और हम करते हैं बेहतर इलाज का वादा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।